नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4 से लिया गया है, जिसमें एक्स माइनस वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हो गया है, तो न्यूमरेटर में आपके पास एक्स माइनस वन है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन दे रखा है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो है दो पार्ट्स में चेंज करके कर सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन को एक बार लिख देंगे और दोबारा से आई के इक्वल इसको इंटीग्रल को मान लिया और फिर जो है इसको दो पार्ट्स में बांट देंगे, एक हो गया एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और दूसरा हो गया ये माइनस का साइन है तो माइनस वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और डीएक्स लिख दिया। अब जो है फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन को जो है आप डिफरेंशिएट वो कोई वेरिएबल टी मान के डिफरेंशिएट करके आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये जो है आपको इसके लिए क्या करना है कि ये आपने लिखा कि लेट इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन नीचे डिनोमिनेटर में है उसको टी के इक्वल मान लिया तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो है इस तरह से x dx जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 डी टी के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है जो आपको x अपॉन में x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन करना है वो जो है x dx जो है वो 1 अपॉन में 2 dt में बदल गया और 1 अपॉन में 2 तो आपने बाहर निकाल दिया और ये dt हो गया और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ t जो कि अगले स्टेप में ऊपर आके t की पावर माइनस के 1/2 हो जाता है। तो माइनस के 1/2 हो गई पावर इसकी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे t रेस पावर माइनस 1/2 का वो हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस में कांस्टेंट सी। तो 1/2 से 1/2 कट गया तो आपके पास आया t रेस पावर 1/2 प्लस में कांस्टेंट सी, तो इसमें लगा देंगे कांस्टेंट सी इधर लिख दिया और t की वैल्यू जो है इसमें c1 कांस्टेंट लगा दिया क्योंकि दूसरे वाला पार्ट भी है कांस्टेंट देगा। तो हमारे को यहाँ पे हो गया रूट टी प्लस में c1 जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस c1 के इक्वल। अब सेकंड पार्ट जो है वो माइनस के 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इस वाले पार्ट में हम 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को करते हैं इंटीग्रल। तो ये जो है डायरेक्टली फार्मूला दिख रहा है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस फार्मूले के हिसाब से इसका हमारे को इंटीग्रल करना है जो कि हो जाएगा लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और कांस्टेंट c2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको दोनों पार्ट्स को कंबाइन करेंगे इक्वेशन वन के हिसाब से तो आपका इंटीग्रेशन जो करना था x माइनस वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का वो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो जो आपने फर्स्ट पार्ट का निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस c1 तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख देंगे और दूसरे पार्ट में से लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख देंगे और c1 और c2 जो वो थे कांस्टेंट थे वो मिलके एक नया कांस्टेंट c बना लेंगे। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करें।